तो ना जगनीर क्षेत्र में SHO जगनीर अपना फोर्स के साथ जगनीर चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। उस समय वहाँ पे एक मोटरसाइकिल में दो लोग जा रहा था, उनको रुकने के लिए प्रयास किया। वो रुकने के लिए प्रयास करते समय दोनों लोग बहुत तेज़ से आगे बढ़ा मोटरसाइकिल में, और SHO पीछे पड़ा। वो बैरियर तोड़ के आगे भाग रहा था, पीछे भी SHO जगनर भी पीछे पड़ा। उन्होंने कंट्रोल रूम का मैसेज दिया, कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया, कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ, आगे बसे जगनीर का SHO को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। मैं भी आज IG रेंज महोदय का आदेश था, आज 9 बजे से जनपद का सभी बार सील करके चेकिंग होना है, जनपद का अंदर भी चेकिंग होना है, उसके SSP स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, हर चेकिंग पॉइंट चेक करना है, इसे निर्देश था। मैं भी चेकिंग कर रहा था रास्ता में, कहाँ कहाँ चेकिंग हो रही है, किस चाणा क्षेत्र में कैसे चेकिंग हो रहा है, उसके मैं भी रास्ता में निकल रहा था, मैं भी चेक कर रहा था। उस सूचना मिलते हुए मैं भी तुरंत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और जाते समय मैं भी देखा वहाँ पे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे हम भी आगे बढ़ा, और हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग गाड़ी के सामने हम नज़दीक देखा, SHO जगनेर की गाड़ी लगी दिखाई पड़ा मुझे, उसके आगे हम सामने से बसई जगनेर से एक पुलिस की गाड़ी आई थी, और उस गाड़ी देखते हुए जो बदमाश हमारा सामने दिखाई पड़ा, हमारा गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल तेज जा रहा था, तुरंत उसने अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है, हम भी उसी तरह का मोड़ा, और हम और SHO दोनों नीचे उतरा है, तुरंत उतर के हम लोग सब आगे बढ़ा है, और हमारा टीम आगे जो सामने से वाला गाड़ी वहाँ से भी उस गाड़ी से भी पुलिस लोग सभी लोग नीचे उतरा, सब लोग आगे बढ़ा, और वो गाड़ी मोटरसाइकिल आगे चल रहा था, चलते चलते जो मोटरसाइकिल फिसल के गिर पड़ा, वहाँ से एक आदमी गिरते हुए तुरंत हम भी हमारा गाड़ी में तुरंत आके जाके तुरंत रुका है, हम लोग भी नीचे उतरा है, गिरने से देखे तुरंत उनका मैंने वार्निंग दिया, भाई हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम रुको, कहाँ भाग रहा है। वो तुरंत हमारा बात नहीं माना, तुरंत उसने फायरिंग हम लोग के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया, हम लोग की टीम के ऊपर। हमने सभी टीम जो भी आया सबका निर्देश दिया, सब लोग अपने अपने इलाका में एक से एकदम दूर दूर से आड़ ले लो, किसी छुपाने के लिए दूर दूर से आड़ ले लो, बदमाश फायरिंग कर रहा है, इसका आपको बचा के तुम लोग उसको बचाना है, उनके लिए भी वार्निंग देते लगातार मैं चला रहा था, हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम सरेंडर हो जाओ। वो नहीं माना, लगातार फायरिंग कर रहा था, और उसके बाद हम लोग भी अपना आत्मरक्षा के लिए है हम लोग भी फायरिंग करना शुरू किया, फायरिंग करते हुए कई राउंड फायरिंग हुआ वहाँ पर, फायरिंग करते हुए कुछ टाइम के बाद वहाँ पर फायरिंग बंद हुआ, आवाज़ बंद हुआ फायरिंग का, और धीरे धीरे जाके देखा कोई आदमी गिर पड़ा दिखाई पड़ा, उसका हम लोग ने पहचान है, हमारा SOG टीम, हमारा सर्वेलेंस टीम ने देखा, वो आदमी 1 लाख इनामी बदन सिंह है उसका नाम है। अभी पिछले सप्ताह डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग केस में वांछित अपराधी था, इसने पिछले सप्ताह उन्होंने किडनैपिंग किया था, किडनैपिंग करके ले जाके धौलपुर का भेड़ क्षेत्र में रखिए, उनका 5 करोड़ फिरौती मांगने की कोशिश किया, और वहाँ से पुलिस ने उसका वहाँ से बच के लेके आया था, पुलिस के दबाव में उसने थोड़ा पुलिस ने वहाँ बच के लेके आया था, उसी का वांछित अपराधी है ये डॉक्टर बदन, उसी के उस अपराधी है, हम लोगों ने पहचान किया, उसका पुराना फोटोस है, उसी के आधार पर हम लोगों ने पता चला ये वो बदन सिंह है, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग किया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।